In this chapter, our chapter's outlines are acids, base, indicator, neutralization and salt formation. And what is salt? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में और सॉल्ट के बारे में. तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड दैट एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया है जब डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं. ठीक है, कंपाउंड की एग्जाम्पल है वॉटर. अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अबाउट 3 मिलियन, 3 मिलियन कंपाउंड्स एग्जिस्ट टूडे. आज 3 मिलियन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट मटीरियल आर क्लासिफाइड इंटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, हार्डनेस, सोलिबिलिटी, लस्टर एक्सेट्रा. आप सबको पता है कि जो मटीरियल्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ठीक है, कईयों का कलर अलग है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई सोलबल होता है, कोई नहीं होता, कोई चमकदार है, लस्टर मतलब चमकदार है, कोई नहीं है. ठीक है, तो उसके आधार पर जो मटेरियल्स हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 3 ग्रुप्स हैं उनके, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट. क्लियर. देखो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारी बुक में गिवन है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है डिफरेंट मटेरियल. सबसे पहले देखो कॉमन साल्ट है सब्सटेंस. कॉमन सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी. आपको पता है नमक का टेस्ट क्या होता है? सॉल्टी. ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा मोस्टली यूज करते हैं भटूरे बनाने में, इडली बनाने में, है ना, और पकौड़ा वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं. उनका जो बेकिंग सोडा का टेस्ट है वो बिटर है, कड़वा है या सोपी है. ठीक है, जैसे सोप के जैसे है. टैमारिंड इमली, इमली की आप सबको पता है खट्टी होती है, सोर. ऑरेंज जूस है, सोर और स्वीट. कई बार ऑरेंज खट्टा भी होता है, कई बार स्वीट भी होता, दोनों हो सकते हैं ऑरेंज के केस में. ग्लूकोज है, उसका टेस्ट स्वीट ही होता है. उसके बाद है बेटा स्टार्च है, टेस्टलेस है. मिल्क है, स्वीटिश है. वॉशिंग सोडा है, बिटर एंड सोपी है. ठीक है, जो डिटर्जेंट जिसमें मम्मा कपड़े धोते हैं. लेमन जूस है, वो भी सोर है. और उसके बाद अनराइप मैंगो, कच्चा आम, तो वो भी खट्टा ही होता है. फ्यू सब्सटेंसेस टेस्ट है बिटर. तो हमने देखा है कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर होता है, कईयों का मीठा होता है, कईयों का लाइट मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज है. ठीक है, मिल्क भी स्वीटिश होता है. ठीक है, टेस्ट में मिल्क भी अच्छा लगता है. ये बच्चे कच्चा दूध पीना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट में वो ज्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली जो बॉयल मिल्क होता है. उसके बाद है सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस टेस्ट बिटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड. अगर नींबू है, लेमन है, तो उसका टेस्ट अगर खट्टा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एसिड बढ़ा हुआ है. मटेरियल कंटेनिंग एन एसिड, जो मटेरियल जिनमें एसिड होता है उन्हें कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस. बेकिंग सोडा इज स्लिपरी, बेकिंग सोडा स्लिपरी होता है, बिटर होता है. उसमें भी कोई केमिकल होता है जिसे कहते हैं बेस. सब्सटेंसेस कंटेनिंग बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस. जिन सब्सटेंसेस में बेस होते हैं उन्हें बेसिक सब्सटेंस कहते हैं. व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसे कहते हैं सॉल्ट. अगर सॉल्ट के डिफाइन आए तो आप लिखोगे व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस इज कॉल्ड सॉल्ट. क्लियर. उसके बाद एसिड है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस. एसिडस लेटिन के एक शब्द से लिया गया है, एसिडस है, जिसका मतलब होता है खट्टा. द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस इन द केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव अ सॉर टेस्ट. जो टर्म एसिड है वो केमिस्ट्री में से लिया गया है, जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसका मतलब होता है टेस्ट खट्टा है. मिनरल एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड दैट आर यूज इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में इनका यूज किया जाता है. उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स सो नेचुरल इन
इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नेचुरली एसिड्स होते हैं, जहां तो हमें वो एनिमल्स के रूप में मिलते हैं, ठीक है, उनसे मिलते हैं, जब प्लांट मटेरियल से मिलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की नीचे दी गई हैं। देखो सिट्रिक एसिड है पहले, तो ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड है विनेगर से, सिरका से। कार्बोनिक एसिड है कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उनमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक बोलते कम पीनी चाहिए, ठीक है। मैलिक एसिड है एप्पल में होता है। ऑक्सैलिक एसिड है टमाटो में। ये एसिड तो जरूरी भी है हमारे लिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बोन्स भी वीक होती है। अगर आपको गर्मी लगती है तो गर्मी के दौरान आप लस्सी या नींबू पानी पी सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, क्लियर। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटो में। फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग, मक्खी जब डंक मारती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण हमारे इचिंग होती, खाज होती है। उसके बाद टैनिक एसिड है, टी में होता है, जो चाय पीते हैं, इसलिए चाय भी नहीं पीनी चाहिए बच्चों को, कभी हुआ पी ली सर्दियों में, पर टी में भी क्या है, टैनिक एसिड है। लैक्टिक एसिड कर्ड में बेनिफिशियल है हमारे लिए। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में। ऑक्सैलिक एसिड गुआवा, तो गुआवा और टोमेटो में ये इक्वली होता है एसिड, उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड, किसे कहते हैं। कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड, ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर, ठीक है। सभी एसिड्स हैं वो सॉल्यूशंस है एसिडिक गैसेस जो वाटर में प्रेजेंट होती है उनके। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस, एक सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा गैस है वो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। दीज एसिड्स आर प्रेजेंट एज कंसंट्रेटेड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद डिल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें एसिड ज्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें एसिड कम होता है वो डिल्यूट एसिड्स होते हैं, ठीक है। दीज एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड, जो कंसंट्रेटेड है उनके आगे कंसंट्रेटेड लगा होता है, जो डिल्यूट है उनके आगे डिल्यूट लगा होता है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का फॉर्मूला, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। दस एसिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेशन अमाउंट ऑफ द गैस एंड वॉटर। तो एसिड का कंसंट्रेटेड या डिल्यूट होना गैस के ऊपर डिपेंड है, जिसमें ज्यादा गैस है वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें कम गैस है वो डिल्यूटेड सॉल्यूशन है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स कैसे होते हैं हमें देखने से कैसे पता चलेगा, फिजिकली जो हम देख के पता कर लेते हैं बेटा, जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है कि हमारी हाइट बड़ी है या छोटी है ना, हमारा रंग काला है या गोरा है, क्लियर, हमारे बाल लंबे हैं या छोटे हैं, हमारी आईज बड़ी है या छोटी है, वो फिजिकल डिफरेंस होता है तो देखने से हमें पता चलता है। देखो एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, एसिड्स का टेस्ट खट्टा ही है, ठीक है। उसके बाद एसिड पानी में डिजोल्व होते हैं। ऑल एसिड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड कैन बी आइदर डिल्यूट कंसंट्रेटेड, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड एसिड इज कॉल्ड डिल्यूट एसिड, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे गैस ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ऐसे पानी ज्यादा है किसी सोल्यूशन में वो डिल्यूट एसिड होता है, पानी कम होता है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। हीट कब प्रोड्यूस होती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड में हम वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है। टू मेक अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड ऑलवेज एड एसिड टू वाटर स्लोली, नेवर पोर वाटर ऑन एसिड, ठीक है। कभी भी हमने एसिड यूज करना है तो पहले वाटर ले ले, ड्रॉप वाइज उसमें एसिड डाले, तो स्प्लैश आउट नहीं होगा, मतलब कोई भी बॉडी को हार्म नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा, है ना। तो हमेशा वाटर में एसिड डाले वन बाय वन, ना कि एसिड में वाटर, वाटर में एसिड डालना चाहिए। उसके बाद जो एसिड्स होते हैं हमारी लैब में लिटमस पेपर पड़े होते हैं ब्लू और रेड कलर के, जो एसिड्स होते हैं ब्लू रेड पर इनका कोई असर नहीं होता रेड लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड करते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं।
एसिड. उसके बाद एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म. एसिड्स आर हेल्पफुल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. एसिड्स कोरोसिव होते हैं, ठीक है. दे कैन कॉज सीवियर बर्न इंजरीज टू द स्किन. इसलिए कभी भी जिस चीज का आपको नहीं पता तो उसे टच नहीं करना चाहिए पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही. मान लो आपके घर में कोई मेडिसिन भी आती है तो ऐसे ही नहीं यूज करनी कि मान लो आपके लिए भी आती है. बड़ों की तो कभी नहीं करनी, उनका यूज होता है, ठीक है. आपके लिए भी आती है तो जैसे पेरेंट्स आपको बोले तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेनी चाहिए. क्लियर. लैब की बात तो बहुत दूर की है, वहां पर बिना टीचर की परमिशन के नहीं जाना चाहिए. दे कैन कॉज सीवियर बर्न इंजरीज टू द स्किन, डिस्ट्रॉय पेपर क्लोथ एंड वुड एंड इवन कोरोड मेटल्स लाइक, ठीक है. आपकी स्किन पेपर कपड़े और लकड़ी को तो जलाते हैं, उसके अलावा आयरन और एल्यूमिनियम की मेटल्स तक को ये खराब कर देते हैं एसिड्स. क्लियर. फॉर दिस रीजन एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास और सेरेमिक कंटेनर. आपने देखा होगा ज्यादातर एसिड्स कांच की बॉटल्स में ही होता है, क्योंकि कांच की बॉटल्स में स्टोर करने पर एसिड का प्रभाव कम हो जाता है ना. और अगर प्लास्टिक में करेंगे तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण प्लास्टिक के भी पिघलने का डर होता है, इसलिए कांच की बोतलों में इसे स्टोर किया जाता है. उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, डिफरेंट मेटल्स की हैं. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है. उसमें जब मैग्नीशियम को ऐड करते हैं हम, मैग्नीशियम मेटल है उसे ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है. सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं जिंक को तो जिंक सल्फेट नमक बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनती है. कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन. ऐसे बेस के साथ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है. बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं. डिटर्जेंट की एग्जांपल है बेस. एसिड हमने पढ़ा है नींबू में होता है, इमली में होता है, अमरूद में होता है, टमाटर में होता है ना. उसके बाद है सोडियम क्लोराइड बनता है जब बेस के साथ हम एसिड को ऐड करते हैं, वो नमक है और उसके बाद वाटर, ठीक है. आगे यूजेज ऑफ एसिड, अ वेरी ब्रीफ आइडिया, a very brief idea of the use of acid is given below. Brief idea दिया हुआ different acid का. number one पर है hydrochloric acids. तो first पर है hydrochloric acid के use. dilute hydrochloric acid का मतलब कि इसमें water ज्यादा होगा 30%, अगर acid है तो 70% क्या होगा water होगा, इसलिए dilute बोला. dilute में water ज्यादा होता है 70% और acid होता है 30%. यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है. बॉयलर्स में, बॉयलर्स के अंदर दिस प्रोसेस इज नोन एज डेस्केलिंग. इस प्रोसेस को कहते हैं डेस्केलिंग. क्लियर. उसके हाइड्रोक्लोरिक इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग सिंक वगैरह को साफ करने में, सैनिटेयर वेयर में इसका यूज किया जाता है. थर्ड इट हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट में यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, ड्रग्स में, मेडिसिन में, डाइज में, है ना. कपड़े डाइज होते हैं ना डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं टी शर्ट्स वगैरह को, या कलर किया जाता है सूट्स को, तो उसमें यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का. डिटर्जेंट का, पेंट का, एक्सप्लोजिव्स, है ना, बॉम्ब वगैरह बनाने में. उसके बाद यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर में, आर्टिफिशियल सिल्क में और सेल्यूलॉइड में. थर्ड है यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, उसके बाद बैटरीज में स्टोर करने के लिए. फोर्थ है यूज इन टेक्सटाइल पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है. टर्न द पेज,
उसके बाद डिफरेंट फर्टिलाइजर में, पेपर बैटरी में भी यूज किया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा बिटर ड्यू टू इट्स लार्ज नंबर ऑफ यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज किंग ऑफ केमिकल, इसका यूज बहुत ज्यादा है इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, इट इज यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, इट इज यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में भी और एक्सप्लोजिव में भी, पिक्रिक एसिड में, गन कॉटन में, डायनेमाइट एक्सेट्रा में। उसके बाद इट इज यूज फॉर एडिटिंग डिजाइन और नेम्स अपॉन मेटल्स लाइक कॉपर ब्रास और ब्रॉन्ज में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, ये उसका फॉर्मूला होता है CH3COH। विनेगर जो सिरका हम खाते हैं वो एसिटिक एसिड है और ये इसका फॉर्मूला है। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है विंडो वगैरह साफ करने में, फर्श साफ करने में, बर्तन साफ करने में और स्टेन वगैरह जो दाग है वुड लकड़ी के ऊपर से या कारपेट वगैरह से साफ करने में एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। और एसिटिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव भी अचार वगैरह में, पिकल्स। एसिटिक एसिड यूज है प्रिजर्वेटिव, मतलब लंबे टाइम तक अचार चले तो उसके लिए पिकल्स में डाला जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड यूज डायरेक्टली टू एनहांस फ्लेवर ऑफ फूड, एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है कि फूड का फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट वी कॉमनली नोन एसिटिक एसिड एज विनेगर, एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। उसके बाद बेस है बेटा, बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं, स्लिपरी टू टच है वो बेस होते हैं, ठीक है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं वो एल्कलीज होते हैं, सभी बेस एल्कलीज नहीं होते, जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एल्कली, एल्कलीज आर कोरोसिव इन नेचर, एल्कली कोरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर द बेस कैन क्लासिफाइड इनटू वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड, नेचर के अकॉर्डिंग बेस स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद है लाइक एसिड, एसिड्स के जगह से बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और बेस वीक, जैसे एसिड है बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं। स्ट्रॉन्ग पड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वीक एसिड कौन से हो गए, जो ऑर्गेनिक एसिड पड़े हमने, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो दूध में, ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो गोवा में है, है ना, टार्टरिक एसिड है जो इमली में है वो, ठीक है, वीक एसिड है। ऐसे ही उन्होंने बोला अगर वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। लाइक एसिड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग बेस कैन बर्न स्किन, जो बेस स्ट्रॉन्ग है वो भी आपकी स्किन जला सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने याद रखना है, जैसे हमने एसिड याद रखे ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस वेरी माइल्ड मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना ज्यादा वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है, इट इज कंज्यूम एज एन एंटासिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम। ये किस लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बनी होती है, चाहे पुदीन हरा ले लो, चाहे इनो ले लो, है ना, चाहे आप जेलोसिल ले लो, तो उसमें कौन सा साल्ट पड़ता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है जनरल प्रॉपर्टीज, गुण क्या होते हैं बेस के, ये बिटर होते हैं, दे टर्न फिनोल पतली इन सोल्यूशन पिंक, ठीक है, सोपी टू टच होते, क्रोसिव इन नेचर, जंग लग सकता है। उसके बाद है दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, जैसे हमने पढ़ा था एसिड में ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेस रेड को ब्लू कर देते हैं। दे टर्न बीट रूट सोल्यूशन ग्रीन, बीट रूट सोल्यूशन को ये ग्रीन कर देते हैं, और टर्मेरिक पेपर को ये रेड कर देते हैं। उसके बाद यूजेज क्या है बेस के, डिफरेंट यूजेज है, पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन होता है जो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, है ना, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े की इंडस्ट्री में, और कई तरह के केमिकल्स बनाने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी एल्कलीज का यूज होता है। एल्कली मतलब जो बेस पानी में घुल जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज बढ़े हमने, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूज है, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन सॉइल। अगर मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा है तो उसे भी कम कर देते हैं, अगर हम बेस डाल दें साथ में, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेस डालने से एसिड का असर कम हो जाएगा। उसके बाद ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कीड़ों से बचाने का भी काम करते हैं बेस, और इट इज एन इंग्रेडिएंट इन व्हाइट वॉश और मोटर में भी इसका यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसका यूज किया जाता है ग्रीस विंडो पेन के लिए, है ना, ग्रीस वगैरह को उतारने के लिए। री एजेंट यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरी में, और इंक स्पॉट वगैरह कपड़ों से मिटाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। बेटा ये डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एसिड और बेस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही करोगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड, बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू, एसिड मेन कलरलेस, बेस बिकम्स पिंक, ठीक है। एसिड्स एन एसिड हैज अ केमिकल फॉर्मूला विद दैट एट द बिगनिंग ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर इज वन एक्सेप्शन टू द रूल, एसिडिक एसिड, उसके बाद रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद बेस बिटर होते हैं, बेस चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये पिंक हो जाते हैं, है ना, फिनोल पथलीन में, और ये फिनोल पथलीन जो इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कौन सा एसिड या बेस है, तो ये कलरलेस ही रहता है, जो बेस है वो पिंक हो जाता है। और बेस का फॉर्मूला जो एसिड है, जितने भी एसिड है, ठीक है, तो ज्यादातर एच से शुरू होते हैं, है ना, और जो बेस है मतलब उनके लास्ट में वो एच लगता है, क्लियर। उसके बाद है रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सेम ही है दोनों में रिएक्शन। उसके बाद है बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज के एंटासिड बनाने में काम आते हैं, टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री में आते हैं, इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है कोई ऐसा सोल्यूशन कि जैसे मान लो हमारे पास एसिड की बोतल पड़ी है, बेस की बता, हमें नहीं पता वो कौन सा एसिड कौन सा बेस है, उसे पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, है ना, इंडिकेटर्स एक और सोल्यूशन होता है जिससे हमें पता चलता है उसमें डालकर कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर है, लिचन्स नाम के पौधे से हमें मिलता है, ठीक है, लिटमस इज कॉमन यू इंडिकेटर, इट इज पर्पल डाई होती है जो लिचन नाम के पौधे से मिलती है, पेपर सोक्ड इन लिटमस पेपर सॉल्यूशन, डाइड इज कॉल्ड लिटमस पेपर, और इट इज अवेलेबल इन टू कलर्स में हमें मिलता है लिटमस पेपर, या ब्लू या रेड। हल्दी भी एक इंडिकेटर है, आप एक पेपर लेके हल्दी को ब्रश से पेंट कर दो, मान लो आपका टूथ ब्रश खराब हुआ है, थोड़ी सी कटोरी में आपने हल्दी लेनी है, आधे से आधा स्पून, ठीक है, और उसके बाद एक दो ड्रॉप्स आपने पानी डालना है, तीन चार ड्रॉप डाल देना, फिर ब्रश से लगा के छोटे से पेपर के ऊपर आप हल्दी लगा के धूप में छोड़ देना, उसके बाद सर्फ लेके ऐसे ही डिश प्लेट में थोड़ा सा आधे से आधा स्पून उसमें वाटर डाल के फिर फिंगर से अपना नाम लिखना, वो रेड हो जाएगी, इसका मतलब इंडिकेटर है, येलो कलर चेंज हो गया रेड में, रेड कैबेज जूस इंडिकेटर है नेचुरल। उसके बाद चाइना रोज है, वो भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी या ऊपर बेटा वो नहीं हमने करनी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है फिनोल फथलीन मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनल कलर क्या है, कलरलेस मिथाइल ऑरेंज के नाम से ऑरेंज ही है। अगर आप फिनोल फथलीन सोल्यूशन को किसी एसिड में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, है ना, और अगर बेस में डालोगे तो पिंक रहेगा, अगर मिथाइल ऑरेंज को डालोगे एसिड में ये रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, एक स्ट्रिप सी आती है, जैसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रेड और ब्लू लिटमस पेपर है ना, ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पीएच पेपर होता है, उस पर डिफरेंट डिजिट लिखे होते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है, ये देखो ऐसा पेपर होता है, क्लियर। आई थिंक गाइज आज के लिए इतना ही बहुत है,
बाकी वन पेज रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके साथ ही हम बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे जो आपके बुक में गिवन है। अगर किसी को बैक एक्सरसाइज फिल करनी है तो प्रॉपर चैप्टर पढ़ के वो खुद कर सकता है, ठीक है। प्लीज रीड प्रॉपर अगेन दिस चैप्टर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव प्रॉब्लम। प्लीज रीड द चैप्टर ऑन डेली बेसिस, मेक योर नोट्स, कंप्लीट योर नोटबुक्स, क्वेश्चन आंसर्स आल्सो विद बैक एक्सरसाइज, क्लियर। प्रे टू गॉड डेली एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।